आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किए थे रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, ठीक है। किस में किए थे? ऑर्किड सेल। ऑर्किड एक प्लांट होता है, उस प्लांट के सेल में सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स रहता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे एक सेल ऑर्गेनल्स होता है न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, जो डायरेक्ट एंड कंट्रोल करता है सेलुलर फंक्शन के। सेल के अंदर के जितने भी फंक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करता है, उसको डायरेक्ट करता है, मतलब उस किस टाइप से वो काम करेंगे डायरेक्ट करता है और उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियस को बोला जाता है डायरेक्टर ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल और कंट्रोलिंग सेल ऑर्गेनेल्स, दोनों चीज़ न्यूक्लियस के बारे में बताया जाता है, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ द सेल, कंट्रोलिंग सेल ऑर्गेनेल्स। सभी प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट सेल में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अच्छे से नहीं रहता, क्लियर नहीं रहता और न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है। इसलिए इस टाइप का जो न्यूक्लियस होता है इसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड, और जीनोफोर भी बोलते हैं, प्रोकैरियोन भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर नहीं होता और न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है। इस टाइप का जो न्यूक्लियस रहता है इसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड, प्रोकैरियोन और जीनोफोर, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में ऐसा होता है। यूकैरियोटिक सेल्स जो है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बहुत अच्छे से रहता है। इसलिए ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल में सिंगल न्यूक्लियस रहता है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसा रहता है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी पाया जाता है, ठीक है। कुछ सेल ऐसा होता है जिसमें एन्यूक्लिएट, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, जैसे मैमेलियन आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता। फ्लोएम के सिप ट्यूब, प्लांट्स में जो फ्लोएम होता है उसके सिप ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। इस टाइप के जो रहता है इसको बोला जाता है एन्यूक्लिएट, मतलब विदाउट न्यूक्लियस। यूनिन्यूक्लिएट मतलब सिंगल न्यूक्लियस, ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल में सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। बाइन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट मतलब दो न्यूक्लियस। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई के जितने भी मेंबर होते हैं उसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। पैरामीशियम में भी दो न्यूक्लियस पाया जाता है। मल्टी न्यूक्लिएट, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज जो फंजाई का ग्रुप होता है, जैसे म्यूकर, राइजोपस, इसमें मल्टी न्यूक्लियस पाया जाता है, बहुत सारा न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। और रेड एल्गी में भी मल्टी न्यूक्लियस पाया जाता है, एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। सेल, जैसे सेल के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन रहता है, ऐसे ही न्यूक्लियस के चारों ओर क्या रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियोप्रोटीनस स्ट्रक्चर पाया जाता है, न्यूक्लियोप्रोटीन, और क्रोमोसोम पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। क्रोमोसोम क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में पहुंचाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, बहुत सारे क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में ले जाते हैं, ठीक है। कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेचर, इस टाइप के जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाला जो नेचर होता है न्यूक्लियस का, इसको सबसे पहले बताए थे हैमरलिंग 1953 में। हैमरलिंग साइंटिस्ट जो है सबसे पहले बताए थे कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम रहता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में ले जाते हैं, ठीक है। उसने एक यूनिसेल्यूलर एल्गी एसिटा बुलेरिया पर काम किए थे। यूनिसेल्यूलर एक सेल वाला एल्गी एसिटा बुलेरिया पर काम करके उसने ऐसा बताया थे कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाते हैं क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस रिमेन चेंजिंग, न्यूक्लियस का साइज, जैसे साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है तो न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है, कई सेल में साइटोप्लाज्म कम होता है तो न्यूक्लियस का साइज
छोटा होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम के हिसाब से न्यूक्लियस छोटा या बड़ा होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर का एग्जाम, मतलब स्ट्रक्चर को हम किस में देखते हैं, जब इंटरफेस में और फेस ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन चलता है माइटोसिस मियोसिस उस समय भी न्यूक्लियस को स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, और दो सेल डिवीजन के बीच के जो स्टेज होता है, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज जो होता है उसको बोलते हैं इंटरफेस। उस इंटरफेस स्टेज में भी न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाता है, ठीक है। इंटरफेस इज द फेस बिटवीन टू सेल डिवीजन, दो सेल डिवीजन के बीच का जो फेस होता है उसको बोला जाता है इंटरफेस। उसमें सबसे अच्छे से न्यूक्लियस दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर का जो स्टडी इंटरफेस के समय ही किया जाता है, इंटरफेस स्टेज में ही किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम न्यूक्लियस को देखेंगे तो न्यूक्लियस में चार पार्ट दिखाई देता है, ठीक है। न्यूक्लियस में फोर टाइप ऑफ पार्ट्स दिखाई देता है। सबसे पहला पार्ट हम देखेंगे न्यूक्लियस के चारों ओर जो रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसको कैरियोथीका भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है बाई लेयर्ड होता है, दो लेयर का बना होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और क्या होता है लाइपोप्रोटीन का बना होता है। लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड एंड प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है। बाहर के मेम्ब्रेन को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन एक्टोकैरियोथीका, बाहर के मेम्ब्रेन को बोलेंगे एक्टोकैरियोथीका, और अंदर के मेम्ब्रेन को बोलते हैं एंडोकैरियोथीका, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डबल लेयर होता है, लाइपोप्रोटीन का बना होता है। आउटर मेम्ब्रेन को बोलेंगे एक्टोकैरियोथीका, इनर मेम्ब्रेन को बोलेंगे एंडोकैरियोथीका, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो बाहर का साइड होता है, आउटर मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, और इसके इनर जो साइड होता है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहता, एब्सेंट रहता है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, आउटर मेम्ब्रेन में राइबोसोम पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन में राइबोसोम नहीं रहता। इन दोनों लेयर जो बाई लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है इसके बीच का जो खाली स्पेस रहता है इसको हम क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इस बीच के खाली जगह को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे छोटे छोटे पोर रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे छोटे छोटे पोर रहता है। पोर के आसपास जैसे पोर सराउंडेड रहता है एक स्ट्रक्चर से, पोर चारों ओर से एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से घिरा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं एन्यूलस, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियस में पोर रहता है, पोर चारों ओर से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से घिरा रहता है जिसको बोलेंगे एन्यूलस। एन्यूलस और पोर ये दोनों को एक साथ बोला जाता है पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं पोर कॉम्प्लेक्स। तो इस टाइप का जो पोर कॉम्प्लेक्स रहता है, एक पोर कॉम्प्लेक्स को अच्छे से हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, देखने से इस टाइप का दिखता है। ये बीच में जो पोर रहता है इसको हम बोलेंगे पोर कॉम्प्लेक्स। ये पोर कॉम्प्लेक्स जो है एट मॉलिक्यूलर ऑफ प्रोटीन से घिरा रहता है, एट मॉलिक्यूलर ऑफ प्रोटीन से घिरा रहता है, ठीक है। एन्यूलस भी जो है माइक्रो सिलेंडर से घिरा हुआ रहता है, हम लोग देखे हैं। तो इस टाइप का एक चैनल बनाते हैं ग्रैन्यूल्स ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में इस टाइप के बहुत सारे ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। इस ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर और एन्यूलस पोर इस सब को एक साथ क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर लैमिना, जिसको जिसमें प्रोटीन नेटवर्क पाया जाता है, प्रोटीन जाल जैसा फैला हुआ पाया जाता है, ठीक है। इस पोर जो है इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मिन, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन का काम क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल जो जितने भी मटेरियल्स रहते हैं, सब्सटेंस जो रहते हैं जो कि वाटर में घुलेगा, क्योंकि ये बाहर का मेम्ब्रेन है, हम लोग जानते हैं कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बाहर क्या रहता है, सेल, सेल के अंदर रहता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म से अंदर कुछ सब्सटेंस के आने और न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में जाने, इसमें दो टाइप के सेल्स रहते हैं, कुछ लिक्विड में सॉल्यूबल रहता है, कुछ वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस रहता है, इसको आने जाने को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन बोलते हैं उसको, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बाई लेयर्ड होता है,
ठीक है, लाइपोप्रोटीन का बना होता है। बाहर के मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे एक्टोकैरियोटिका, अंदर के मेम्ब्रेन को बोलेंगे एंडोकैरियोटिका। दोनों के बीच में स्पेस रहता है जिसको हम क्या बोलेंगे, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, बाहर राइबोसोम पाया जाता है, अंदर के जो मेम्ब्रेन रहते हैं उसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता। बहुत सारा पोर पाया जाता है, हर पोर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से घिरा रहता है जिसको हम क्या बोलेंगे, एन्यूलस। इस पोर को जब अच्छे से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो इस टाइप का दिखेगा। बहुत सारे ऐसे प्रोटीन ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं और बीच में पोर पाया जाता है। ठीक है, ग्रैन्यूल्स और पोर, एन्यूलस, इस सब को एक साथ क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें प्रोटीन नेटवर्क पाया जाता है जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियर लैमिना बोला जाता है। इस टाइप का जो पोर रहता है उसको, पोर कॉम्प्लेक्स जो रहता है बहुत सारे प्रोटीन ग्रैन्यूल से घिरा हुआ रहता है, 8 टाइप ऑफ प्रोटीन ग्रैन्यूल से घिरा हुआ रहता है। और इसमें रहता है न्यूक्लियोप्लाज्मिन, जिसका काम क्या होता है, वाटर में सॉल्यूबल सब्सटेंस को अंदर बाहर आने जाने देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्मिन। ये न्यूक्लियोप्लाज्मिन मॉलिक्यूल इनर लेयर ऑफ मेम्ब्रेन में पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनर साइड में पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मिन। इसका काम क्या रहता है, मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस, वाटर में सॉल्यूबल जो सब्सटेंस होता है उसको अंदर जाने आने में कंट्रोल करता है कौन, न्यूक्लियोप्लाज्मिन। ठीक है, प्रोटीन नेटवर्क भी पाया जाता है जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर लैमिना। इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है प्रोटीन का नेटवर्क जिसको न्यूक्लियर लैमिना बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है किससे बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर से बनता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हम लोग पढ़े थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या रहता है, बहुत सारे आयनिक सब्सटेंस जो है, लिपिड में सॉल्यूबल सब्सटेंस, वाटर में सॉल्यूबल सब्सटेंस जो है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आते हैं, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, यह है न्यूक्लियोलस। और बाहर राइबोसोम पाया जाता है बाहर के लेयर में, अंदर के लेयर में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसी को ऐसे दिखाया गया है कि एन्यूलस से घिरा हुआ रहता है और इसके बाहर के सरफेस में रहता है राइबोसोम, अंदर के सरफेस में फाइब्रिलर लैमिना पाए जाते हैं, राइबोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके फंक्शन क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन और लार्ज साइज के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसको अंदर आने जाने देते हैं। ठीक है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये सब चीज़ जो है न्यूक्लियस में बनता है। ठीक है, न्यूक्लियस में बनता है, न्यूक्लियस से वो क्या कहाँ आता है, साइटोप्लाज्म में। जैसे न्यूक्लियस में बन रहा है, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म से आ सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, इससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, न्यूक्लियस को एक डेफिनेट शेप देते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कारण ही न्यूक्लियस का शेप बनता है। ठीक है, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, जेनेटिक वेरिएशन, ऐसे बहुत सारे चीज़ों में हेल्प करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब सेल डिवीजन होता है। ठीक है, पहला पार्ट था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब हम देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म किसको बोलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर के जो लिक्विड पार्ट रहता है इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको न्यूक्लियर सैप भी बोलते हैं, कैरियोलिम्प भी बोलते हैं और कैरियोप्लाज्म भी बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ये पूरे लिक्विड पार्ट जो रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर सैप, कैरियोलिम्प और कैरियोप्लाज्म। ठीक है, ये जो लिक्विड वाला भाग रहता है ये होता है ट्रांसपरेंट। ट्रांसपरेंट मतलब कांच जैसा, इस साइड से उस साइड पूरा हम देख सकते हैं, इसको बोलेंगे ट्रांसपरेंट। सेमी फ्लूड, सेमी फ्लूड मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विड टाइप भी नहीं रहता, बहुत ज़्यादा सॉलिड टाइप भी नहीं रहता, बीच का स्टेज रहता है सेमी फ्लूड। ठीक है, आधा सॉलिड आधा लिक्विड टाइप का स्टेज। होमोजीनस मतलब पूरे में जो लिक्विड रहता है सेम टाइप का रहता है, सेम टाइप से बिखरा हुआ रहता है, इसको हम बोलेंगे होमोजीनस। कोलाइडल सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे क्रोमेटिन पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में बहुत सारे क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है, मतलब धागे जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसके अंदर क्या रहता है, वाटर रहता है, शुगर रहता है, बहुत सारे मिनरल्स जैसे मैंगनीज, मैग्नीशियम, राइबोसोम, न्यूक्लियोटाइड्स, एंजाइम, डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए,
ये सब चीज़ें इसके अंदर फैला हुआ पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर का जो नेचर होता है एल्केलाइन नेचर का होता है। ठीक है, एल्केलाइन नेचर का होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर के जो लिक्विड पार्ट होता है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में राइबोसोमल सब यूनिट सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, राइबोसोमल सब यूनिट्स बनता है। इसको बोला जाता है स्केलेटन, न्यूक्लियस के स्केलेटन रहता है, क्योंकि ये भी सेप, न्यूक्लियस के जो सेप रहता है उसको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, न्यूक्लियर क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, ये सब चीज़ें इसके अंदर पाया जाते हैं। न्यूक्लियोलस, बहुत सारे न्यूक्लियर क्रोमेटिन इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर, सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसी से बनता है स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स को बनाने में न्यूक्लियोप्लाज्म का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्रोमेटिन नेट और थ्रेड। सेल के अंदर क्रोमेटिन नेट न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। क्रोमेटिन नेट मतलब बहुत सारे ऐसे धागे जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, लॉन्ग मतलब लंबे होते हैं, और इंटर बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फैला हुआ रहता है जिसको बोला जाता है क्रोमेटिन नेट। सबसे पहले इसके बारे में बताए थे फ्लेमिंग 1882 में। 1882 में फ्लेमिंग ने बताए थे कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे ऐसे क्रोमेटिन धागे जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है क्रोमेटिन नेट। और जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, उस समय ये क्रोमेटिन नेट जो होता है क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, बहुत डेंसली अरेंज होते हो जाता है क्रोमेटिन नेट सेल डिवीजन के समय, और क्या बनाता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, क्रोमेटिन नेट जो होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लिक एसिड एंड बेस प्रोटीन से बना होता है क्रोमेटिन नेट, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड एंड बेस प्रोटीन से बना होता है, जैसे हिस्टोन। इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है इस क्रोमेटिन नेट को। ठीक है, दो, एक हेट्रोक्रोमेटिन, दूसरा यूक्रोमेटिन। दो टाइप के क्रोमेटिन पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। इसको जब स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग मतलब इसको जब कलर करते हैं स्टडी के लिए, ठीक है, उस समय कुछ रीजन ऐसा रहता है जो डार्कली स्टेन हो जाता है, बहुत डार्क दिखने लगता है। ठीक है, एकदम कॉन्डेंस स्ट्रक्चर, कॉन्डेंस मतलब डीएनए एकदम पास पास रहने से जिस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है कॉन्डेंस स्ट्रक्चर, और डार्कली स्टेन मतलब बहुत डार्क इसका कलर हो जाता है। ठीक है, वो होता है हेट्रोक्रोमेटिन रीजन, हेट्रोक्रोमेटिन बोलेंगे उसको। ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड जो होता है एकदम एम्बेडेड मतलब बहुत पास पास प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये रीजन जो है इनएक्टिव होता है, इसमें बहुत धीरे धीरे रिप्लिकेशन होता है। ठीक है, जैसे डीएनए में बहुत जल्दी रिप्लिकेशन होता है और नया नया डीएनए बनाते रहते हैं, लेकिन ये जो भाग रहता है हेट्रोक्रोमेटिन वाला रीजन, इसमें बहुत धीरे धीरे रिप्लिकेशन होता है और इनएक्टिव साइट होता है ये। ठीक है, इसमें एक्टिव जीन्स भी नहीं पाया जाता, इस हेट्रोक्रोमेटिन वाले भाग में एक्टिव जीन्स भी नहीं पाया जाता। बहुत सारे क्रोमेटिन क्या होता है, डार्क स्टेनिंग होता है और ऐसा लगता है कि डीएनए आसपास सब एम्बेडेड हो गया है, आसपास जमा होकर एक थिक स्ट्रक्चर बनाया। इनएक्टिव होता है, इसमें जीन्स भी कम रहता है, एक्टिव जीन्स कम रहता है, और इसमें डीएनए भी कम होता है, रिप्लिकेशन बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन रीजन। अब दूसरा रीजन को बोलेंगे यूक्रोमेटिन रीजन। ठीक है, यूक्रोमेटिन वाला रीजन जो होता है उसको बोलते हैं ट्रू क्रोमेटिन, मतलब असली क्रोमेटिन वही होता है, बहुत पतले पतले होते हैं और लेस स्टेन, जब स्टेनिंग करते हैं कलर करते हैं इसमें ज़्यादा कलर नहीं हो पाता है, लाइट ही रहता है। हेट्रोक्रोमेटिन जैसे डार्क हो जाता है, ये लाइट रहता है। ठीक है, पतला होता है, लेस होता है, डीएनए भी इसमें बहुत कम कॉन्डेंस होता है, इसमें जैसे बहुत ज़्यादा कॉन्डेंस हो जाता है, इसमें डीएनए उतना लूजली अटैच रहता है, मतलब बहुत पास पास अटैच नहीं रहता। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और रिप्लिकेशन भी बहुत स्पीड में करता रहता है। ठीक है, इसी रीजन में उस टाइप के जीन्स पाए जाते हैं जो राइबोसोमल फॉर्मेशन, राइबोसोम का फॉर्मेशन इसी रीजन से होता है। यूक्रोमेटिन वाले जो रीजन रहता है इसी से राइबोसोम बनता है। ठीक है, यूक्रोमेटिन वाला रीजन क्या होता है, स्टेनिंग जो है बहुत कम होता है और बहुत ज़्यादा लूजली अरेंज रहता है, मतलब आपस पास नहीं रहता, कम स्टेनिंग होता है, डीएनए कम पाया जाता है,
और लेस कॉन्डेंस रहता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और रिप्लिकेशन भी बहुत स्पीड में करता है, ठीक है। राइबोसोम फॉर्मेशन वाले जीन्स बहुत ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को, क्रोमेटिन नेट के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझाने के लिए एक मॉडल दिया गया जिसका नाम है न्यूक्लियोसोम मॉडल। एक न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया गया जिससे क्रोमेटिन के बारे में अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। उस मॉडल के हिसाब से ऐसा बोला है कि क्रोमेटिन फाइबर जो है रिपीटेड चेन पाया जाता है, ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर कैसे बनता है, चेन ऑफ रिपीटेड यूनिट्स, बहुत सारे चेन ऑफ रिपीटेड यूनिट्स से बनता है क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। और ये क्रोमेटिन फाइबर दोनों साइड से डीएनए से कवर रहता है, डीएनए से कवर रहता है। 166 बेस पेयर रहता है इसमें, 166 बेस पेयर से ढका हुआ रहता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, कोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हिस्टोन से बना होता है, बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। चार टाइप के हिस्टोन्स रहते हैं इसमें, H2A, H2B, H3 और H4, चार टाइप के हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ होता है न्यूक्लियोसोम, ठीक है। H1 मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं, लेकिन H1 मॉलिक्यूल्स इसको बनने में हेल्प नहीं करता, वो क्या करता है, इसको एक जगह ग्रुपिंग करने में हेल्प करता है, एक ग्रुप में रहता है उसमें हेल्प करता है और इसको जेनरेशन टू जेनरेशन जाने नहीं देता, ठीक है। क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक मॉडल दिया गया, इस मॉडल में बताया गया कि न्यूक्लियोसोम ऐसे पतले पतले बहुत सारा स्ट्रक्चर रहता है जो डीएनए से ढका हुआ रहता है, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जो है हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, चार टाइप के न्यूक्लियोसोम, H2A, H2B, H3 और H4 से बना हुआ रहता है एक जगह ग्रुप होके, और इसमें डीएनए के 166 प्रेयर रहता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, इस न्यूक्लियोसोम में H1 भी रहता है जो कि इसको ग्रुपिंग करने में हेल्प करता है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजते नहीं है, इसके कैरेक्टर को जाता नहीं है, ठीक है। डीएनए जो है दो टाइप के, जैसे न्यूक्लियोसोम रहता है दो टाइप के न्यूक्लियोसोम के बीच में डीएनए जो पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए, उसको डीएनए लिंकर बोला जाता है, ठीक है। इसमें 70 से 75 बेस पेयर रहता है, इस लिंकर डीएनए में बहुत सारे बेस पेयर रहते हैं 70 से 75 तक। अब हम देखेंगे क्रोमेटिन फाइबर, जिस डीएनए में क्रोमेटिन फाइबर पाया जाता है उसमें जेनेटिक मटेरियल रहता है। जैसे क्रोमेटिन फाइबर में हम लोग जानते हैं बहुत सारे डीएनए पाए जाते हैं, तो ये डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और बहुत सारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंजाइमेटिक प्रोटीन, बहुत सारे एंजाइमेटिक प्रोटीन जो एंजाइम जैसा काम करता है, जो प्रोटीन रहते हैं उसका सिंथेसाइज होता है क्रोमेटिन के नेट में, क्रोमेटिन जाल जो रहता है उसी से सिंथेसाइज होता है बहुत सारे एंजाइमेटिक प्रोटीन का, ठीक है, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का काम करता है। और डीएनए की स्टेबिलिटी, क्रोमेटिन जो है वो डीएनए की स्टेबिलिटी देता है क्योंकि इसी में डीएनए प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये थर्ड था क्रोमेटिन नेट, फर्स्ट था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकेंड था न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड था क्रोमेटिन नेट या क्रोमेटिन थ्रेड, फोर्थ है न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। सबसे पहले इस न्यूक्लियोलस को खोजे थे फोंटाना, जो साइंटिस्ट खोजे थे उसका नाम है फोंटाना, 1781 में, ठीक है। न्यूक्लियोलस टर्म को, मतलब न्यूक्लियोलस शब्द को सबसे पहले यूज़ किए थे बाउमैन, बाउमैन ने सबसे पहले इसका नाम दिए थे न्यूक्लियोलस 1840 में, ठीक है। हर न्यूक्लियोलस जो है ग्रैन्यूलर होता है, मतलब दानेदार स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियोलस के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, ग्रैन्यूलर होता है, नेकेड होता है, एक बड़ा सा ऑर्गेनल्स होता है न्यूक्लियस के अंदर और विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन, लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, ठीक है। न्यूक्लियस का साइज जो है जिस भाग में हमारे शरीर के जिस भाग में प्रोटीन बायोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस जिस जगह में सबसे ज़्यादा होगा उस जगह के न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है, जहाँ प्रोटीन बायोसिंथेसिस कम होगा वहाँ न्यूक्लियोलस का साइज जो है छोटा होता है, ठीक है। सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियस का काम क्या रहता है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है कौन, न्यूक्लियोलस।
ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा फ्लाइबल स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, मतलब न्यूक्लियस को बनाने में हेल्प करता है। बहुत सारी जगह में न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहते हैं, जैसे मसल फाइबर, रेड ब्लड सेल, ईस्ट, प्रोकैरियोटिक सेल, ये सब में न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है। ठीक है, ज़्यादातर न्यूक्लियस में एक या दो न्यूक्लियोलस पाया जाता है, लेकिन बहुत सारे सेल में इससे ज़्यादा न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है, जो हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम का जो एक एक हैप्लॉयड सेट पाया जाता है उसके हिसाब से एक एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी में टू पेयर ऑफ न्यूक्लियोलस पाया जाता है, एक एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस में, एक एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस के लिए दो पेयर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ठीक है, एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस के लिए दो पेयर ऑफ न्यूक्लियोलस पाया जाता है। एक एनिमल है जीनोपस, उसके उस साइड जो है जीनोपस के उस साइड में 1000 तक न्यूक्लियोलस पाया जाता है। जीनोपस के उस साइड के जो न्यूक्लियस रहते हैं उसमें 1000 तक न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है उसमें यह है न्यूक्लियोलस। ठीक है, इस टाइप का रीजन होता है न्यूक्लियोलस। इसमें बहुत सारे फाइब्रिलर रीजन रहता है, बहुत सारे ग्रैन्यूलर रीजन रहते हैं। फाइब्रिलर रीजन जो होता है उसमें डीएनए का बहुत सारे कॉपीज रहते हैं। ठीक है, जो फाइब्रिलर स्ट्रक्चर रहते हैं इसमें डीएनए के बहुत सारा कॉपीज रहता है। इस फाइब्रिल वाले स्ट्रक्चर में आरएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ये फाइब्रिल वाला स्ट्रक्चर जो रहता है इससे क्या होता है, इसमें डीएनए के बहुत सारे कॉपीज रहते हैं जिससे सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है प्रोटीन से राइबोसोम का सिंथेसिस। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है, राइबोसोम का सिंथेसिस होता है। ठीक है, जो प्रोटीन ऑफ राइबोसोमल सिंथेसिस के प्रोटीन का सिंथेसिस होता है साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है, वो न्यूक्लियस से आ जाता है, न्यूक्लियोलस से साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में उसके बाद क्या होता है, नहीं जैसे साइटोप्लाज्म में क्या बनता है, प्रोटीन, और न्यूक्लियोलस के अंदर क्या बनता है, राइबोसोम। ठीक है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में चला जाता है प्रोटीन, उसके बाद राइबोसोम और प्रोटीन दोनों मिलके क्या बनाता है, कॉम्प्लीट राइबोसोम बनाते हैं जो चला जाता है न्यूक्लियोलस के अंदर, और न्यूक्लियोलस जो है उसी में कॉम्प्लीट राइबोसोम अच्छे से सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो जो आरएनए रहता है, इस टाइप का जो आरएनए रहता है, उस आरएनए में इस टाइप से बहुत सारे राइबोसोम स्ट्रक्चर जो है एम्बेडेड रहता है, मतलब आरएनए में बहुत सारे राइबोसोम इस टाइप से बीड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मोती की माला होती है उस टाइप का स्ट्रक्चर राइबोसोम का रहता है आरएनए में। ठीक है, तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियोनिमा। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोनिमा। ठीक है, अब हम देखेंगे न्यूक्लियोलस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो देखते हैं उस स्ट्रक्चर, उसको स्टडी किए थे सबसे पहले बोरिस्को एंड बैंग ने 1951 में स्टडी किए थे न्यूक्लियोलस के अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इसी को बाद में बारहार्ड एक साइंटिस्ट थे जिसने 1952 में न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर को ये भी स्टडी किए थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे तो इसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस डी रॉबर्ट्स जो है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किए, उसमें क्या बोले कि 4 टाइप का पार्ट रहता है न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है, एक पार्ट है ये फाइब्रिल जैसा पार्ट, इस फाइब्रिलर जो पार्ट होता है इसको हम बोलेंगे फाइब्रिलर रीजन। ये पार्ट जो है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, जो फाइब्रिल वाला पार्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोलिमा, इस फाइबर वाला पार्ट को न्यूक्लियोलिमा बोलता है। ठीक है, दूसरा पार्ट है ग्रैन्यूलर पार्ट, जिसको हम बोलेंगे ग्रैन्यूलर रीजन। इसी में बहुत सारे छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर पाया जाता है न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है, इस दानेदार स्ट्रक्चर जो है इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रैन्यूलर रीजन। इसमें बहुत सारे ग्रैन्यूलस रहते हैं और इस ग्रैन्यूल्स को ये भी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का बनता है। ऐसा माना जाता है कि
ये जो फाइब्रिल वाला पार्ट होता है वही टुकड़ा टुकड़ा होके ग्रैन्यूलर पार्ट बनाता है, इसीलिए राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का ही बना होता है। ठीक है, थर्ड पार्ट है प्रोटीनस रीजन। प्रोटीनस रीजन मतलब प्रोटीन का बना हुआ रीजन होता है जो कि फ्लूडी पार्ट होता है। फ्लूडी मतलब इसके अंदर के जितने भी लिक्विड रहता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम बोलेंगे प्रोटीन रीजन। ठीक है, इस रीजन को ऐसा भी बोला जाता है एमोर्फा, पार्स एमोर्फा भी बोलते हैं इस रीजन को। ठीक है, फोर्थ पार्ट है क्रोमेटिन पार्ट। ये जो क्रोमेटिन, इसके अंदर बहुत सारा क्रोमेटिन पाया जाता है। फर्स्ट पार्ट क्या था, फाइब्रिलर, जो फाइब्रिल जैसा बहुत सारा स्ट्रक्चर पाया जाता है। सेकेंड ग्रैन्यूलर, जो दानेदार स्ट्रक्चर पाया जाता है। थर्ड पार्ट है प्रोटीन, पूरे लिक्विड को बोलेंगे प्रोटीन पार्ट। और फोर्थ पार्ट होता है क्रोमेटिन पार्ट, ये जो क्रोमेटिन वाला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम बोलेंगे क्रोमेटिन पार्ट। ठीक है, बहुत सारे क्रोमेटिन फाइबर्स से क्रोमेटिन पार्ट बनता है। इस क्रोमेटिन फाइबर्स में क्या पाया जाता है, डीएनए, इसको हम लोग पहले पढ़े हैं। ठीक है, इस डीएनए जो है टेम्पलेट का काम करते हैं आरएनए सिंथेसिस के लिए। मतलब डीएनए का सिंथेसिस, आरएनए का सिंथेसिस, दोनों चीज इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है, तो एक क्रोमेटिन पार्ट को दो भागों में बांटा गया, एक है पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन, दूसरा है इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन। ठीक है, ये बाहर के पार्ट जो है इसको हम बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन। पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो है न्यूक्लियोलस के कवर का काम करता है। ठीक है, कुछ ये न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है, इसको ट्रैबिक, कुछ पार्ट जो है अंदर की ओर भी इस टाइप का आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ये जो बाहर का साइड है इसको हम बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन। कभी कभी ये अंदर के साइड आउटग्रोथ लाइक भी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलेंगे ट्रैबिकुली। ठीक है, ट्रैबिकुली। अब देखेंगे इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन, यह है इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन, मतलब इसके अंदर। ठीक है, इस टाइप का जो क्रोमेटिन फाइबर्स होता है इंटरनल प्रोटीन रीजन में पाया जाता है, अंदर के जो प्रोटीन वाले रीजन में पाया जाता है। बहुत छोटे छोटे सेप्टर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको बोला जाता है इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, जो इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोनिमा पाया जाते हैं। हम लोग पढ़े थे कि जो ये आरएनए रहता है, ठीक है, इस आरएनए में बहुत सारे राइबोसोम पाया जाता है और बीड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मोती की माला जैसा स्ट्रक्चर में सजे रहते हैं राइबोसोम। ठीक है, तो ये राइबोसोम को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलिमा। तो न्यूक्लियोलिमा के बेसिस पर, इस टाइप से न्यूक्लियोलिमा पाया जाता है उसके बेस पर तीन टाइप के आरएनए होता है इसमें। ठीक है, तीन टाइप के क्रोमेटिन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। कुछ न्यूक्लियोलस ऐसा होता है जिसमें वो सब में ऐसी इसी टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है न्यूक्लियोलिमा। ठीक है, ज़्यादातर सेल्स में ऐसा होता है, न्यूक्लियोलस विथ न्यूक्लियोलिमा विच इज मोर कॉमन। न्यूक्लियोलस में न्यूक्लियोलिमा जो बीड लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है बहुत कॉमन होता है ज़्यादातर सेल्स के अंदर। ठीक है, कुछ न्यूक्लियोलस ऐसे पाया जाता है जिसमें ये बीड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब न्यूक्लियोलिमा जो है एब्सेंट रहता है। ठीक है, जैसे सैलिवरी ग्लैंड सेल, सैलिवरी ग्लैंड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में ऐसे न्यूक्लियोलिमा आरएनए में नहीं पाया जाता। ठीक है, और कुछ आरएनए ऐसा रहता है एकदम रिंग शेप आरएनए पाया जाता है जिसमें पूरे में न्यूक्लियोलिमा पाया जाता है, बिट्स पूरे फाइब्रिल में न्यूक्लियोलिमा पाया जाता है। ये एंडोथेलियल सेल और मसल सेल में इस टाइप का न्यूक्लियोलिमा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, न्यूक्लियोलिमा क्या होता है, जो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस के अंदर जो आरएनए थ्रेड पाया जाता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलिमा। ठीक है, तो इस टाइप से न्यूक्लियोलस कैसा होता है, बाहर पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन, इसके अंदर इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन, बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे फाइब्रिलर पोर्शन। ठीक है, जिसमें बहुत सारे डीएनए का कॉपी पाया जाता है जो आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, बहुत सारे मैट्रिक्स पाया जाता है और ग्रैन्यूलर पोर्शन पाया जाता है, और एक है क्रोमेटिन। ठीक है, इस टाइप से न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।